नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी जग चुका है। जैसा कहा गया था कि निकाय चुनावों के बाद यूपी ट्रिपल एससी अपना कार्य करेगी, तो ऐसे ही आपको यहां पर एक सूचित किया जा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन हमें जो प्राप्त हो रही है कि वीडियो 2023 की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, ये आपको देखने को मिलेगा अभी रिसेंट में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीडियो 2023 की वैकेंसी आपको अभी के दिनों में, मतलब बोल सकते हो या आज शाम या बोल सकते हो या कल तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब इसमें जो लोग भी वीडियो 2023 के लिए एलिजिबल हैं, क्या होना चाहिए अर्हता, वह मैं एक थोड़ा सा शब्दों में बता दे रहा हूं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली बात कि जो वीडियो 2023 है, इसमें जिनके पास पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आपसे अप्लाई बोलेगा तो कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, वहां पे फॉर्म खुलेगा, नोटिफिकेशन आते ही सभी लोग, जो लोग पीईटी 2022 दिए हैं, सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रही बात, बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो वैकेंसी कितनी है, किनको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, तो यहां पर देखिए जो वैकेंसी बोली जा रही है इस नोटिफिकेशन की, 1500 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी है, ठीक है, 1500 के आसपास, 1400 समथिंग, मतलब 1500 के आसपास मान सकते हो कि आपकी वैकेंसी आएगी। अब इसका नोटिफिकेशन जल्द, जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा, एक दो दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक बेसिक सा आपको 10+2 अगर आप पास हो, 12वीं पास आपका मांगता है वीडियो में, उसके बाद से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगता है। जैसा अगर मैं बात करूं 2018 के अकॉर्डिंग जो आया था, उस समय पीईटी यूटी का झमेला नहीं था, तो उसमें ट्रिपल सी मांगता था आपका, जो 10+2 के इक्विवेलेंट जो है, 10+2 या उसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहां पर जब यह पीटी 2022 से आ रहा है वैकेंसी, तो पीटी का स्कोर कार्ड, मतलब पीटी में आप पीटी 2022 दिए हुए होने चाहिए, अब उसके बेसिस पर ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा जो वीडियो का एग्जाम जो लोग देंगे, ठीक है। तो वो अलग से आपका बनता है, जैसे आपका लेखपाल में बना था, जूनियर असिस्टेंट में बनेगा, तो ऐसे ही आपके कहीं ना कहीं इसका भी स्कोर जनरेट होगा, लेकिन भरेंगे सब, ठीक है, क्योंकि शुरू में नहीं बोलता है कि किनको भरना है, वो शॉर्टलिस्ट आपको बाद में बताता। रही बात कि आपका सिलेबस क्या होगा, कि भाई देखो सिलेबस इसका पहले से तय है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसका बदल चुका है सिलेबस, तो आपका सिलेबस और पैटर्न वही रहेगा। रीजनिंग आपका भी री एग्जाम होने वाला ही है जून में, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपके जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये टोटल आपके 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मार्क्स हो सकता है बदले या ना बदले, लेकिन 2 मार्क्स का था तो 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ठीक है, निगेटिव हाफ था तो हो सकता है उसी के तर्ज पे कराए, या निगेटिव वाले में कुछ कम करे, या जो भी हो 1/4 करे हाफ की जगह, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन चीजें आपकी, पैटर्न और सिलेबस ऑलमोस्ट वीडियो 2018 जैसा रहा है वैसा ही रहेगा। तो जिनको भी 2023 के लिए वीडियो का एग्जाम देना है, जिनके भी पीटी में अच्छे स्कोर रहे हैं, वो एकदम आज से ही तैयारी में लग जाए। जो 2018 में किसी कारणवश नहीं भर पाए थे फॉर्म, वो आपका 23 में फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जल्द जल्द देखने को मिलेगा, जैसे ही हमें पता चलता है कि आपका नोटिफिकेशन क्या है, क्या चीजें चेंजेस हुए हैं, हम जरूर आपके सामने आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या या परेशानी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।